हेलो डियर स्टूडेंट्स, एंथ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट के इल्यूमिनेशन टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पहले पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले सेशन में भी हम लोगों ने इल्यूमिनेशन टॉपिक के ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज फिर से हम लोग 22 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं मयंक कुमार, इस ऐप का फाउंडर और आपका एडुकेटर। मुझे पिछले 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। मैंने एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है और मैं कुछ इस सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ, नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइट वेव्स ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ, यानी लाइट जो होता है ना, जो लाइट आप देखते हो प्रकाश, ये एक वेव के फॉर्म में होता है। फिजिक्स में बताया गया कि ये एक वेव के फॉर्म में होता है और ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। आप देखते हो कि लाइट को कहीं पर आपने मूव करते हुए नहीं देखा होगा, क्यों? आप स्विच ऑन करते हो, लाइट आपको हर जगह दिख जाता है, यानी बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है। और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छी बात है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं याद हो तो अभी याद कर लो। अब देखो ये चारों ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 3×10⁸ इंटू मीटर इक्वल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये 100×10⁸ क्या हो जाएगा, 10⁸ + 10⁻², यानी आपको मिलेगा 3×10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए यहां पर इस वेलोसिटी को एक फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट करेंगे। मैं क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। V=1/√μ0εnot, μ0 क्या होता है, μ0 को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इसकी वैल्यू होती है 4π×10⁻¹ हेनरी पर मीटर। और जब आप एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, ये होता है परमिटिविटी और इसकी वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85×10⁻¹² फेराड पर मीटर। ये दोनों वैल्यू भी आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपसे कहीं पर पूछ दे, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, वैल्यू और इसकी यूनिट दोनों याद रखना। परमियबिलिटी क्या होता है, इंडक्टर से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, इसलिए हेनरी पर मीटर यूनिट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका यूनिट फेराड पर मीटर होता है। तो यानी आप कह सकते हो यहां से जब आप ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेगा ये। तो आंसर रहा आपका पहला ऑप्शन ए। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स बाय, देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप की मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसको बोलते हैं, किसी मीडियम में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में होता क्या है, आप जानते हैं कि गैस, मान लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में आप गैस फिलअप कर दिया है, आपने गैस या मर्करी वेपर फिलअप किया, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब आप अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इसके मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो जब इसके मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वहां से आपको लाइट मिलता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, हीटिंग इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, तीसरा है आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर। यस, यही ऑप्शन आपका सही है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स नहीं। अब देखो बाकी चीजें आपको कहाँ मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल रहा है, इसके कारण लाइट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इनकंडेंसेंट लैंप में लाइट आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो यहाँ का आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, आयोनाइजेशन इन गैस और वेपर। वेपर आपने सिंपल सा समझ लिया, Hg वेपर, मरकरी वेपर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ल्यूमिनेंस का यूनिट क्या है, ल्यूमिनेंस की यूनिट आपको बतलानी है। तो ल्यूमिनेंस का एक मैंने आपको बतलाया था कि लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ,
तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को थोड़ा सा आप याद कर लो, क्या होता है, आई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए आई क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का यूनिट के टर्म में अगर हम लिखे, इंटेंसिटी क्या था, कैंडला, इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला, और कॉस क्यूब थीटा इसकी कोई यूनिट होती है नहीं, एच क्या था, हाइट, तो हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यानी ल्यूमिनेंस का यूनिट आपको क्या मिला, कैंडला, उसको सीडी भी लिखते हैं, कैपिटल सी स्मॉल डी पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। तो यहां से कौन सा यूनिट मिला, यहां से मिला कैंडला पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। कैंडला किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी आई की यूनिट होती है, लक्स किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर? और मीटर स्क्वायर पर कैंडला, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑप्शन सी और डी में आप जितना कंफ्यूज करो इसे मजा आएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज, मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कितना वाट का इनपुट ले रहे हो सप्लाई से और उससे आप कितना आउटपुट दे रहे हो, यानी ल्यूमेंस कितना वाट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये होता है ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो हमने आपको बताया था कि सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमिनस एफिशिएंसी काफी हाईएस्ट होती है, 200 लुमेंस पर वाट रहता है, 1520 जो दिया हुआ है ये नियॉन लैंप की एफिशिएंसी होती है, 15 से लेकर 40-50 लुमेंस पर वाट तक, और 30 से 40 लुमेंस पर वाट हमने किसका बताया था, या अभी मैं बता रहा हूं, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब की एफिशिएंसी होती है 30-40 लुमेन पर वाट। तो इसका आंसर कौन सा रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ए फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन, यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसको आप मर्करी बोलते हो, ट्यूबलाइट बोलते हो, उस ट्यूबलाइट को आप किससे ऑपरेट कर सकते हो, एसी से भी कर सकते हो ऑपरेट, एसी से ऑपरेट होता ही है, और उसको आप डीसी से भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन आप क्या जानते हो कि जब आप डीसी से ऑपरेट करोगे तो उसका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऑपरेट वो डीसी पर भी कर सकता है, तो यानी इसका बोथ एसी एज वेल एज डीसी ऑप्शन करेक्ट है, एसी पर भी लगा दो डीसी से भी लगा दो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट दिया गया है, देखिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, आप लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं ना, आप लोगों के साथ एक समस्या होती है कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से थोड़ा डर जाते हो और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं लेते हो, लेकिन बीटेक के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेते हैं, तो इसलिए आप भी अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं, एक लैंप दिया गया है, उसकी रेटिंग दी गई है 500 वाट, ये 500 वाट क्या बता रहा है, ये 500 वाट बता रहा है इलेक्ट्रिकल पावर, आप लिखते जाइए, यह है इलेक्ट्रिकल पावर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है एमएससीपी, इसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, आप याद कर लेना, कहीं पर इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ दे, मीन स्फेरिकल, देखो यहां मैं उतनी ही चीजें लिखूंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछे, उससे अधिक चीजें मैं यहां पर बिल्कुल भी डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी समय बहुत कम रहता है। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना दिया गया है एमएससीपी, ये दिया गया है 1000, ये दिया गया है 1000, और ये होता क्या है, ये होता है फ्लक्स, इस फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4π, तो यहां से फ्लक्स क्या आया, ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स ये आ जाएगा हमारा 1000 × 4π, ये 4π न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1000 × 4π, ये आ गया हमारा फ्लक्स। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि लैंप जो है ये सस्पेंडेड 2.7 मीटर अबव द वर्किंग प्लेन, यानी कि ये मान लो एक हमारा हॉरिजॉन्टल वर्किंग प्लेन है, इससे 2.7 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर यहां पर लैंप को रखा गया है, ये एच दिया गया 2.7 मीटर। क्लियर? एच दिया गया है 2.7 मीटर, या फिर इसे रेडियस आर भी कह दो।
अब पूछा जा रहा है कि इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैंप एट द वर्किंग प्लेन, अगर इसको हम पॉइंट ए मान लें तो हमें इस पॉइंट ए पर इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट ए पर इल्यूमिनेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा? इल्यूमिनेशन अगर हम ई लिखें यहां पर, ये हो जाएगा फ्लक्स, जो कि फ्लक्स आपको मिला हुआ है 1000 इनटू 4 पाई डिवाइडेड बाय एरिया, यानी 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से स्फेरिकल एरिया लिख रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 1000 इनटू 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है 2.7 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको कैलकुलेट तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में अगर नए क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 2.7 स्क्वायर और यहां से वैल्यू मिलेगी 137.17 लक्स। 137.17 लक्स आपको इसका आंसर मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चंस आसान थे, बस एक न्यूमेरिकल था, लेकिन इसका बेनिफिट क्या अब आपको आगे दिखाऊंगा। 2-3 बार ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे गए हैं एसएससी जेई एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट लैंप। हमने बताया था कि चोक क्या होता है, चोक एक तरह का क्वाइल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है फ्लोरोसेंट लैंप में, ये स्टार्टिंग में ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये स्टार्टिंग में ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। क्यों ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, क्योंकि गैसेज भरे हुए थे, उस गैस को आयनाइज करना है। स्टार्टिंग में 230 वोल्ट से आयनाइज नहीं होगा, इसके लिए सीरीज में चोक को कनेक्ट किया जाता है और ये चोक क्या करेगा वोल्टेज को बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। इसलिए यहां पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया स्टार्टिंग पर्पस। अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग पर्पस भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसके नेक्स्ट ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग। देखो आप लोगों से एक और मिस्टेक होता है एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हो, सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी होता है, ऐसे आप डिसाइड मत किया करो। तो दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग। अब आप समझो कि एग्जैक्ट फंक्शन चोक का कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन इससे आगे भी देखते हैं इंप्रूव पावर फैक्टर। ये तो पावर फैक्टर खराब करता है, इंप्रूव पावर फैक्टर कौन करता है, वो कैपेसिटर करता है। मिनिमाइज पावर कंजम्पशन, ना पावर कंजम्पशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा है, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। बात समझ में आ गई। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी जेई 2018। ये पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर लाइटिंग। इंडोर लाइटिंग क्या होता है, इंडोर लाइटिंग मतलब आपके इनडोर, मतलब दरवाजे के अंदर, दरवाजे के अंदर मतलब आपके रूम में, घर में, कहीं पर भी पैक्ड जगहों पे जो लाइटिंग की बात की जा रही है उसको कहा जा रहा है इंडोर लाइटिंग, आपके ऑफिस में कहीं पर भी। तो अब क्या पूछा जा रहा है, कौन इनमें से कौन सा ऐसा लाइट का एग्जांपल दिया गया जो इंडोर लाइटिंग नहीं है, इसका मतलब वो बाहर में लाइटिंग किया गया है। पहला देखो रेसिडेंस लाइटिंग, ये क्या होता है, रेसिडेंस लाइटिंग आप अपने घर में करते हो तो ये हुआ रेसिडेंस लाइटिंग, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑफिस लाइट, आपको कौन सा गलत ऑप्शन चूज करना है, मतलब जो इंडोर लाइटिंग नहीं हो। ऑफिस लाइटिंग में ऑफिस कहाँ रहता है, कोई फील्ड में ऑफिस बना रहता है, नहीं ये भी नहीं है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री लाइटिंग एक अलग ही लाइटिंग हुआ और वहां भी इंडस्ट्री लाइटिंग क्या रहते हैं, ऑफिसेज बने रहते हैं, हर चीज बना रहता है, इंडस्ट्री लाइटिंग नहीं। चौथा दिया गया फ्लड लाइटिंग। अब आपको याद आया होगा फ्लड लाइट्स, आप क्रिकेट में कमेंट्री सुनते हो, कमेंटेटर बोलता है कि शाम के 5 बज चुके हैं, फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए हैं, मौसम खराब है, कुहासा है, तो वो हुआ फ्लड लाइट। वो कहाँ यूज करते हैं, बाहर में यूज करते हैं, आउटडोर लाइटिंग में यूज करते हैं। तो कौन सा मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, फ्लड लाइट। तो आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज फ्लड लाइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, लुमेन पर वाट इज द यूनिट ऑफ। वाट क्या होता है, इनपुट, वाट होता है इनपुट और लुमेन क्या होता है, लुमेन होता है आउटपुट। बल्ब यही करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, लुमेन हुआ आउटपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट यानी लुमेन पर वाट,
तो लुमेन पर वाट किसका यूनिट हो सकता है भाई? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट का मतलब एफिशिएंसी। कौन सा एफिशिएंसी? ये लाइट का एफिशिएंसी बता रहा है, यानी ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ये देखो छोटा छोटा पहला दे रखा, लाइट फ्लक्स नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं, ब्राइटनेस नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकैंडेसेंट लैंप इज फिल्ड बाय, जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है, जो यानी कि रेजिस्टेंस वाला फिलामेंट लैंप होता है, उसको इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। ये इसको किस चीज से फिल किया जाता है और क्यों किया जाता है? आप देखो इसमें फिलामेंट तो होते हैं, फिलामेंट आपने दिखा दिया, लेकिन हमने बताया था कि इसमें क्या रहते हैं, इसमें आपको गैसेज भरे रहते हैं। कौन सा गैसेज भरे रहते हैं? वो नोबल गैस भरे रहते हैं। नोबल गैस मतलब ऐसे गैस जो रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट गैस कहिए या नोबल गैस कहिए, जो रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके कारण बेनिफिट क्या होता है, आप देखे हो कि अगर गैस नहीं भरा जाएगा तो इस लाइट को आप चलाओगे, ये लाइट इसको हीट कर देगा वाल को, और ये शीशा काला हो जाएगा, फिर आपको कोई लाइट नहीं दिखेगा। इसलिए यहां पर इनर्ट गैस भरा जाता है जिसका कहीं कोई रिएक्शन हो ही नहीं। तो इनर्ट गैस की कैटेगरी में कौन सा आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो हीलियम तो काफी महंगा होता है, हम नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? आर्गन दिया गया है। बाकी देखें ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि इस फैमिली का है नहीं इनर्ट गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्गन गैस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ फ्रोस्टेड जीएलएस लैंप्स, अब देखो फ्रोस्टेड जीएलएस लैंप्स क्या होता है, और ये आगे दे रहा है कि फ्रोस्टिंग ऑफ सेल इज डन बाय। देखो फ्रोस्टेड जीएलएस लैंप, जीएलएस मतलब जनरल लाइटिंग सर्विस, ये रहा जीएलएस। ये मेनली किसको कहते हैं? जो फिलामेंट लैंप होता है ना, इनकैंडेसेंट लैंप, वही होता है जीएलएस लैंप। अब उसमें कह रहा है कि एक तो सिंपल सा जीएलएस लैंप होता है इस तरह से, और दूसरा क्या होता है कि एक फ्रोस्टेड जीएलएस लैंप आता है। फ्रोस्टेड का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे उसका पूरा कलर ही आपको व्हाइट रहेगा, दुधिया कलर दिखेगा इसके पूरे ग्लास का ही, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा उसके जगह? दुधिया कलर दिखेगा। वो क्यों होता है? अगर उस तरह के दुधिया कलर वाले ग्लास को आप यूज करो तो फिर क्या होता है, आंखों में ग्लेयर थोड़ा कम दिखता है, मतलब थोड़ी चमक कम आती है, और वो अच्छा लाइट माना जाता है। तो ये कह रहा है उसी को कहा जाता है फ्रोस्टेड लैंप, उसी मेथड को कहा जाता है फ्रोस्टिंग, मतलब इसको आप फ्रोस्टिंग कर रहे हो। तो फ्रोस्टिंग कैसे किया जाता है इस सेल का पूरा उसे पूछा जा रहा है। उस फ्रोस्टिंग को कैसे किया जाता है? वो एसिड एचिंग प्रोसेस होता है, एसिड एचिंग प्रोसेस होता है जो इसके इनर वॉल्स पे किया जाता है, जिसके कारण आपको व्हाइट व्हाइट दिखता है। तो इसको आप याद भी कर लेना, क्योंकि ये आगे एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। एसिड एचिंग ही, एसिड एचिंग करने से उसी को कहा जाता है, सेल को फ्रोस्टेड किया जाता है, लैंप को फ्रोस्टेड लैंप बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, एसिड एचिंग, क्लियर। अब ऑप्शन भी देखो और क्या क्या दे रखा है। ओजोन, इसका कोई यूज ही नहीं है। सॉल्ट वाटर, इसको क्यों आप यहां पर लाओगे बल्ब में? अमोनिया, कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा एसिड एचिंग। तो देखो समझ में आप लोगों को आ रहा है ना, क्योंकि ना समझ में आए तो आप बतलाया करना एक आध बार कि सर ये सारी चीजें जो आप पढ़ा रहे हो ये समझ में ही नहीं आता किसी के। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और थोड़ा सा आसान तरीके से मैं प्रयास करूंगा एक्सप्लेन करने का, इसलिए आप लोग फीडबैक लगातार देते रहिए। देखो होता क्या है, जब फीडबैक आप किसी फैकल्टी को देते रहोगे ना, तो फिर वो फैकल्टी काफी इम्प्रूवमेंट होता है, वो फैकल्टी भी अच्छी क्वालिटी का लेक्चर डिलीवर कर पाते हैं। और आप हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग तालियां बजाते रहोगे तो फिर लोगों को लगता है कि चलो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी तालियां बजा रहे हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द टाइप ऑफ लैंप हैविंग हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी, फिर से वही बात आ रही है, हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी की जब भी बात करें तो वो किसको बोलते हैं? वो होता है सोडियम वेपर लैंप। और कितनी एफिशिएंसी होती है? तो इसकी एफिशिएंसी होती है 200 लुमेन पर वाट।
दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सोडियम वेपर लैंप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। सोडियम वेपर लैंप की सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड, इनमें से कौन सा उसको क्या जरूरत होगी, हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी लाइट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसमें से किस चीजों को होगी। तो पहला दिया है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग देखो बहुत ही सीरियस रीडिंग को कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर कल प्रिंट होने के लिए जा रहा, उसको हम जब प्रिंट होने के लिए जा रहा है तो उसको हम लास्ट मोमेंट पर पढ़ रहे हैं। एक प्रिंट की कॉपी आपको मिल गई और आप पढ़ रहे हैं और आप इसमें एरर ढूंढ रहे हैं। आपको क्या ढूंढना है? एरर। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं, वो सारे चीजों को कहा जाते हैं वैसे रीडिंग को प्रूफ रीडिंग। तो आप समझ सकते हो कि प्रूफ रीडिंग में लाइट की का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अब बाकी के भी तीन ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी का तीन ऑप्शन कैसा कैसा दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन है बेडरूम। यार बेडरूम में लाइट की ज्यादा जरूरत आपको होती है? नहीं होती है। ज्यादा लाइट आ गया तो फिर नींद भी नहीं आएगी बेडरूम में। दूसरा हॉस्पिटल वार्ड, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए वार्ड्स बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा लाइट को देखकर क्या करेगा, फिर पेशेंट को सोने नहीं देगा, नींद नहीं आएगी, वहां भी ज्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म। तो रेलवे प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी बताया था, वहां बैठकर करते क्या आप लोग, मूंगफली खाते हो, उसके लिए ज्यादा लाइट की जरूरत है? नहीं है। तो सबसे अधिक हाईएस्ट लेवल इल्यूमिनेशन की हम बात करें तो आंसर सही है प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब लाइट का सोर्स फॉर ए सिनेमा प्रोजेक्टर। अब सिनेमा प्रोजेक्टर क्या होता है? आप लोग हॉल में बैठकर मान लो ये स्क्रीन लगा है, ये पर्दा लगा हुआ, यहां पर सिनेमा आ रहा है, शाहरुख खान और जो भी हीरो हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं अपना, यहाँ पर सलमान खान या जितने भी एक्टर्स हैं वो यहाँ पर मूवीज उनकी चल रही है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर सीट पर बैठे हुए हो, अपनी अपनी सीटों पर बैठकर मूवी देख रहे होते हो। अब आपने ध्यान देखा होगा कि जब आप ऊपर ऐसे देखोगे, आप लोग अपनी अपनी सीट से ठीक ऊपर देखना, आप क्या देखोगे, लाइट का फॉक्स जाता है, एकदम व्हाइट कलर की लाइट का फॉक्स जाता है। और यही फॉक्स किस पे पड़ता है? यही फॉक्स पड़ता है स्क्रीन पे। दरअसल आप जो बैठते हैं उसका लेवल और नीचे रहता है, स्क्रीन ऊपर रहता है, उसके ऊपर फॉक्स जाता है और यही से आपको दिखता है। ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी लाइट की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स हाई इंटेंसिटी लाइट। और ये हाई इंटेंसिटी लाइट कहां से मिलता है आपको पता है? हाई इंटेंसिटी लाइट आपको कार्बन आर्क लैंप से मिलता है। अब देखो ये सारे लैंप को मैं बाईपास कर रहा हूं, अब आपके सामने आ रहा है कार्बन आर्क लैंप। तो कार्बन आर्क लैंप क्या होता है? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, इसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। हालांकि इस इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन भी बहुत, कंजम्पशन रेट बहुत अधिक है, लेकिन ये लाइट बहुत अधिक इंटेंसिटी होती है। कैमरा का फ्लैश होता है वो भी कार्बन लैंप का यूज किया जाता था, कार्बन आर्क लैंप का यूज किया जाता था कैमरा के फ्लैश लाइट में भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिनेमा घर। आज से आपको कोई पूछे सिनेमा घर, सी फॉर सिनेमा, सी फॉर कार्बन, तो कौन सा लैंप लगता है? कार्बन लैंप, सी फॉर सिनेमा, सी फॉर कार्बन, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएंट एफिशिएंसी। रेडिएंट क्या होता है? जो लाइट है, लाइट से बाहर निकल रहा है, रेडिएशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं रेडिएंट एफिशिएंसी, यानी इसका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी किसका? ऑफ ए ल्यूमिनस सोर्स, मतलब ऐसे कोई लाइट सोर्स है उसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखिए एक लाइट सोर्स है, इसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी होता क्या है? लुमेंस पर वाट। तो लुमेंस पर वाट, अब देखो जो लाइट आप सोर्स आप डिजाइन करते हो ना, उसका लुमेंस कितना अधिक प्रोड्यूस होगा ये उसके फिलामेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना अधिक टेम्परेचर हो रहा है उतनी अधिक लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए रेडिएंट एफिशिएंसी किसी ल्यूमिनस सोर्स का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।
बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। सेफ इसका कोई भी सेफ हो उससे मतलब नहीं है। वेवलेंथ, वेवलेंथ कोई भी किसी भी वेवलेंथ का लाइट रे प्रोड्यूस करता है उससे मतलब नहीं है। कितने लुमेंस प्रोड्यूस कर रहा है ये मतलब है, और वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम वाटेज, सेम पावर के लिए, मान लो हमें 10 वाट का पावर चाहिए, वाटेज मतलब पावर, 10 वाट का पावर चाहिए। कह रहा है कि लैंप इज द चीपेस्ट, व्हिच लैंप इज चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब क्या है, सस्ता, लेस कॉस्ट। तो आपको याद है, आप लोगों ने, पता नहीं आप लोग दुकान में गए थे कभी खरीदने या नहीं, मुझे तो 6 रुपये में बल्ब मिल जाता था। कौन सा बल्ब मिलता था, इनकैंडेसेंट लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप नहीं, ये महंगा है। मरकरी वेपर लैंप महंगा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब भी यार 200-300 रुपये का मिलता है। जीएलएस लैंप अब तो शायद 20-25 रुपये में मिलता होगा, मैं 5-6 रुपये में भी इसको खरीदा करता था, और बहुत जल्दी ये फ्यूज भी होता था, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा ये फ्यूज हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई एक सेम वाटेज आपको प्रोड्यूस करना है पावर, इन चारों में सबसे सस्ता कौन सा मिलेगा, जीएलएस लैंप। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन रहता है, एक ग्लास रहता है, थोड़ा सा आर्गन गैस भर दो, ये लैंप तैयार। इसलिए जीएलएस लैंप सस्ता होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, चोक की जरूरत पड़ेगी, स्टार्टर की जरूरत होगी, इसलिए सबसे सस्ता जीएलएस लैंप। लेकिन सबसे टिकाऊ बिल्कुल नहीं करो, सबसे लिस्ट टिकाऊ है ये टिकाऊ क्या, ये बिकाऊ है। ये आपको खरीदोगे फिर आप रोज रोज एक फ्यूज होता जाएगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप्स एज कंपेयर टू जीएलएस लैंप्स इज, कह रहा कि फ्लोरोसेंट लैंप का डिसएडवांटेज मतलब कमी, फ्लोरोसेंट लैंप में क्या क्या कमियां हैं अगर फ्लोरोसेंट लैंप और जीएलएस लैंप को कंपेरिजन किया जाए तो देखो पहला जो लिखा हुआ है नॉइज इन चोक। अब जो चोक लगा रहता है ना, आप ध्यान से देखना ट्यूबलाइट में जो चोक रहता है, पुरानी वाली ट्यूबलाइट, ये जब चलता है इसमें नॉइज भी आता है, ट्यूबलाइट से आपको कुछ ना कुछ नॉइज आता है, वो नॉइज चोक का रहता है। तो पहला ऑप्शन सही है, डिसएडवांटेज है फ्लोरोसेंट लैंप का। दूसरा, एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। अब थोड़ा सा एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट मैं पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं आपको। एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास सप्लाई क्या है, एसी सप्लाई है। ये एसी सप्लाई मतलब 50 साइकल्स पर सेकेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 50 साइकल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में, वन सेकेंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करता है, 50 साइकिल कंप्लीट करता है। एक साइकिल हुआ, फिर दो साइकिल हुआ, इस तरह से 50 साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट करता है। एक साइकिल मतलब 2π रेडियन, इसमें एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, यानी कितने बार जीरो आया एक साइकिल में, एक बार और दो बार ये जीरो पर आए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एसी के केस में 100 टाइम्स इन ए सेकेंड, 100 टाइम्स इन ए सेकेंड, ये एक सेकेंड में 100 बार क्या होता है, करंट जीरो होता है, करंट जीरो होता है। समझ रहे हो क्यों होता है, क्योंकि आप एसी फ्लो करवा रहे हो, एसी जीरो तो होता ही होगा ना, बार बार जीरो होता है। ऐसे जीरो होने से फायदा या नुकसान क्या है, देखिए ये जब कोई मान लो मोटर है, फैन है, ये सब चीजों पर 100 बार जीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि आपने घर में लाइट कनेक्ट किया है, और अगर आपने घर में लाइट कनेक्ट किया, वो भी मान लो फ्लोरोसेंट लैंप आपने कनेक्ट किया, तो उसका करंट 100 बार जीरो हो रहा है एक सेकेंड में, तो ये आपको पता नहीं चल रहा है। आप लाइट को देख रहे हो, सीधे सीधे लाइट है, लेकिन अभी मेरी हालत देखो, मेरे फेस पर जो लाइट पड़ रही है, आपको लग रहा होगा कि ये मेरे फेस पर बार बार लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये दरअसल एस्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। अब जिसको कि आप हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अभी मेरे लैपटॉप का वेबकैम है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि बार बार वो करंट जीरो हो रहा है। खास करके आप देखोगे कि घरों में फैन पंखा चलते हुए देखे हो ना, तो पंखा जब चलता है आप देखोगे कि रात में, खास करके देखना कि पंखा का आपको बिल्कुल कभी लगेगा ये पंखा स्लो स्पीड से घूम रहा है, कभी पंखा नहीं घूम रहा है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस तरह के लाइट जब इस पे पड़ते हैं ना, जो 100 बार खुद ही जीरो हो रहा है, तो इसको रोटेटिंग पार्ट्स पे जब पड़ता है तो उसको ठीक से देख नहीं पाता। तो जो फ्लोरोसेंट लैंप और जीएलएस लैंप को कंपेरिजन करें, तो जीएलएस लैंप में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है रजिस्टर का,
तो वहां पर आपको कंसिडर नहीं करना है, स्टोकोस्कोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। लेकिन जब फ्लोरोसेंट लैंप आप लोगे उसमें आप बार बार स्टोबोस्कोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा हाई कॉस्ट, तो देखिए फ्लोरोसेंट लैंप 100, 150, 200 रुपये, 300 रुपये में खरीदते हो, जीएलएस लैंप 10-15 रुपये में मिलता था बल्ब, तो ये भी हाई कॉस्ट होता है। तो यहां पर आपको मिला ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, आंसर डी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज यूज्ड इन स्टेडियम। स्टेडियम की अगर हम बात करें तो स्टेडियम में क्या करते हैं, फ्लड लाइट्स, ढेर सारे लाइट्स है, इससे काफी लंबे ऊंचे हाइट्स पर पड़े रहते हैं, यही होता है फ्लड लाइट्स, बहुत ऊंचा पोल है और यहां पर लाइट लगाया गया है स्टेडियम में, तो फ्लड लाइटिंग का यूज किया जाता है स्टेडियम में, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज अराउंड। अब देखो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है आपने पढ़ा होगा कि एक्यूरेसी होता है, प्रिसीजन होता है। एक्यूरेसी का मतलब कोई भी चीज आप बहुत एक्यूरेट करो, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज प्रिसाइज है, मतलब अगर मान लो कि आप कहीं पर गोली चला रहे हैं, बात समझ में आ रही, आप मान लो कहीं पर गोली चला रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर आपको हिट करना है, आप यहां पर खड़े हो, राइफल है, यहां से आप गोली चला रहे हैं, कि बार बार इस पॉइंट को हिट कर रहा है, 10 गोलियां चलाए, 100 गोलियां इसी पॉइंट को हिट किया, तो वो उसको कहा जाता है काफी प्रिसाइज वर्क हुआ। अब मान लो एक गोली यहां हिट हुआ, एक यहां हिट हुआ, एक यहां हिट हुआ, एक यहां हिट हुआ, तो बार बार आप गोली चला रहे हो, अलग अलग पोजीशन पर हिट कर रहा, तो वो प्रिसाइज नहीं हुआ। अब प्रिसीजन वर्क का मतलब क्या हुआ, और लाइट के टर्म में बात करनी, मतलब आप समझ लो कि कोई पेंटिंग आप बना रहे हैं, एकदम ही 10-20-40 पेंटिंग आपको बनानी है, तो एक पेंटिंग बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, अब सारे पेंटिंग्स अगर डिफरेंट डिफरेंट बनने लगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं, सारे पेंटिंग एक जैसे बनने चाहिए। तो जब एक जैसे पेंटिंग आप करोगे ना कहीं बैठ के, उसमें बहुत अधिक लाइट का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए सबसे अधिक लूमेंस की जरूरत होती है, और वो है 500 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर। और इनफैक्ट प्रेसिजन वर्क में ग्रेटर देन 500 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर की भी जरूरत होती है। तो प्रिसीजन वर्क के लिए बोले तो जो अधिक वाला ल्यूमेंस है वो आप आंसर कर दें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। अब देखो टंगस्टन जो होता है ना, किसमें यूज किया जाता है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है इनकैंडेसेंट लैंप में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है गया है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट का एक विकिपीडिया का मैं डेटा ही दे रहा हूं आपको, टंगस्टन का डेटा है ये, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3695 3695 केल्विन, अगर केल्विन में लिखें तो, और इसे डिग्री सेल्सियस में लिखें तो ये क्या होता है, इसमें 273 माइनस कर दो, -273 कर दो, ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जब इसे कन्वर्ट करोगे ये लगभग डबल से थोड़ा कम आता है, यह आएगा 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट की ये वैल्यू है 6203 केल्विन। अभी मेल्टिंग पॉइंट पूछा, आगे बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, तैयार रहना बॉइलिंग पॉइंट के लिए, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी पूछेगा लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए 6203 केल्विन, या फिर 273 घटाएंगे 5930 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 10000 होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस देखेंगे ना, तो ये ऑप्शन नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अब देखो 3655 केल्विन दिया है, तो अब इस चारों में सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर कौन लगता है, होना क्या चाहिए 3695 केल्विन। तो हो सकता है कि क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ एसएससी के द्वारा, किसके द्वारा क्या हुआ, या गलती से 3655 लिख दिया होगा, लेकिन जो भी काम है गलती से इसने लिखा होगा। देखो मुझे तो जो क्वेश्चन दिखा जहां से, मैंने वो क्वेश्चन यहां पर लगाया, तो लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस कंडीशन में बाकी ऑप्शंस काफी दूर हैं, 3655 भी आप टिक लगाकर आ जाना, बिल्कुल खाली मत छोड़ना, और इस भरोसे से मत, बिल्कुल मत रहना कि ये आंसर आप चैलेंज करोगे फिर इसको अपडेट करके मार्क्स टू ऑल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही क्लोज हो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑप्शन 4 आपका सही है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, कार्बन आर्क लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन, हमने बताया कि कार्बन आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में कॉमनली यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, सिनेमा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट दिया गया, इफ डीफाई इज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन एरिया डीए, करेक्ट, एरिया डीए है, एकदम छोटा सा एरिया डीए, उसको कहा जाता है डिफरेंशियल एरिया। इस पे क्या कह रहा है कि ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, और कितना फ्लक्स आ रहा है, डीफाई, डीफाई एरिया मतलब डीए एरिया पर डीफाई फ्लक्स इंसिडेंस हो रहा है, तो कह रहा है इल्यूमिनेंस क्या होगा, इल्यूमिनेंस क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया ही करते थे, तो उसमें क्या होगा, डीफाई डिवाइडेड बाय डीए, बहुत सिंपल है। ये सब क्वेश्चन में देखो आप नहीं भी पढ़े होते ना, फिर भी आप जाकर यही सॉल्व करके आते, क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग तो आपका काम करेगा ही, जब डीफाई दिया गया फ्लक्स, एरिया दिया गया डीए, इल्यूमिनेंस क्या होगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स फॉलिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड, तो यहां से क्या होगा, डीफाई अपॉन डीए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन द टॉपिक इल्यूमिनेशन। आज हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया और अपने पास 23-24 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 23 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पर मूव करेंगे।